Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार की राजधानी पटना में एक आदमी कुछ पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। आरोप है कि यह आदमी बिहार में शराबबंदी के बावजूद एक निजी गेस्ट हाउस में शराब पीते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां वो हाथ जोड़कर पुलिस वालों से छोड़ देने की गुहार लगाने लगा। वहां मौजूद पुलिस वालों में किसी ने उसका वीडियो बना लिया। इस दौरान पुलिस वाले उससे लगातार पूछताछ करते रहे और पता लगाने की कोशिश करते रहे कि वो आदमी शराब कहां से लेकर आया। वीडियो में एक पुलिस वाला उस आदमी को समझाते हुए भी सुनाई दिया। मानते हैं कि अब शराब पिया है आपने, जबकि बंदी है बिहार में, कहां से शराब लेके आए थे? बताया जा रहा है कि वीडियो में देख रहे आदमी का नाम अनुज शर्मा है, जो आगरा का रहने वाला है और जिसने खुद को हेरिटेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया। मध्य प्रदेश के जावद में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ लोग बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के विरोध में हंगामा करने लगे। दावा है कि बीजेपी विधायक जब 2 साल पहले इस गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने किसानों की मदद का भरोसा दिया था, लेकिन इलाके के लोगों का आरोप है कि वो किसानों से वादा करके 2 साल के बाद फिर आए हैं, जिसके बाद लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी विधायक की तरफ से वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पानी की बोतलें और साड़ियां बांटी गईं। हालांकि उनकी ये कोशिश रंग नहीं लाई और लोगों ने कार्यक्रम के बीच में ही हंगामा खड़ा कर दिया। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा कुछ समझ पाते कि उससे पहले लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए और वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। बीजेपी विधायक को घिरता देख एक अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगा। इस बीच बीजेपी विधायक भी कार्यक्रम को बीच में छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। लोगों ने बीजेपी विधायक के जाने का रास्ता रोका तो वो गाड़ी को कच्चे रास्ते से निकाल कर ले गए। गुस्साए लोगों ने दावा किया कि वो मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। दिल्ली से ट्रैफिक का बोझ कम करने के लिए बनाए गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों से पता लगता है कि लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कुंडली गाजियाबाद पलवल को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मकसद ये था कि जिन गाड़ियों को हरियाणा से यूपी या फिर यूपी से हरियाणा जाना है वो दिल्ली में दाखिल ना हो। दिल्ली के पूर्व से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। NHAI का अनुमान था कि इस एक्सप्रेसवे से रोज 1 लाख गाड़ियां गुजर सकेंगी। ये वो 1 लाख गाड़ियां हैं जो गैर जरूरी तौर पर दिल्ली में ट्रैफिक का बोझ बढ़ाती, लेकिन एक्सप्रेसवे खोले जाने के 1 महीने बाद भी इसका कोई खास असर नहीं दिखा, क्योंकि औसतन रोजाना केवल 13,000 गाड़ियां ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रही हैं। इन 13,000 गाड़ियों में ट्रकों और बसों की गिनती 800 से भी कम है, तो बाकी छोटे ट्रकों की गिनती भी बमुश्किल 1,000 के पार पहुंचती है। लेकिन पर्यावरण के लिए काम करने वाली एजेंसियों की शिकायत यह है कि जब तक कमर्शियल गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल शुरू नहीं करेंगी तब तक प्रदूषण कम नहीं किया जा सकता। मुंबई से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अभिषेक पांडे। मुंबई गोवा हाईवे पर पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही रुक गई है। हालांकि मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, तो मुंबई गोवा हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई है, पहाड़ का हिस्सा गिरा है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, ये मिट्टी को हटाने का काम जारी है, कितने लोग लगे हुए हैं और साथ ही इस हाईवे पर क्या लोग भी फंसे हुए हैं? देखिए जसप्रीत, ये हाईवे मेन हाईवे है, मुंबई और गोवा के बीच में जोड़ता है। सिंगल हाईवे यही है जिसको जिससे सबसे ज़्यादा रूट डाइवर्जेंस होता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक क्लियर होता है। अभी भी रात से लोग फंसे हुए हैं अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, साथ ही यहाँ पर बड़े ट्रक्स भी इस रूट से निकलते हैं, तो एक लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। लगातार यहाँ पर 25 से 30 कर्मचारी लगे हुए हैं, 2 से 3 JCB मशीनें लगी हुई हैं, ताकि इस पूरे हाईवे को जल्दी से जल्दी क्लियर कराया जा सके और सारी मिट्टी को निकाला जा सके। हालांकि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ का एक हिस्सा और उसकी मिट्टी पूरी रोड पर आ गई और रोड पर पूरा हाईवे जाम हो गया। दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद है, जल्दी से जल्दी दोनों तरफ का ट्रैफिक निकालने की कोशिश जारी है अधिकारियों की। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। दिल्ली के बुराड़ी के एक मकान में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत की वजह पहेली बनी हुई। पुलिस मामले की तह में जाने की जितनी कोशिश कर रही है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है, क्योंकि 11 लोगों की मौत की जांच में अब तक का सबसे बड़ा रहस्य इस मामले का 11 से कनेक्शन है।
बुराड़ी में भाटिया परिवार के मकान की बाहरी दीवार पर लगे 11 पाइपों को लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। किसी ने उन्हें अंधविश्वास से जोड़कर देखा तो किसी ने महज इत्तेफाक करार दिया। लेकिन 11 पाइपों के मामले में कुंवरपाल नाम के एक आदमी ने दावा किया कि वो सभी पाइप उन्होंने ही लगाए थे और उन पाइपों का परिवार के सदस्यों की संख्या से कोई लेना देना नहीं। इस तरह को हमने बोल दिया, उन्होंने लगा दिए, गिनती का तो कोई मतलब ही नहीं। कुंवरपाल पेशे से ठेकेदार हैं और उनका दावा है कि वो करीब 20 साल से भाटिया परिवार को जानते हैं। साथ ही कुंवरपाल का यह भी दावा है कि घर की दीवार पर लगे सभी पाइप भाटिया परिवार के बड़े बेटे ललित ने लगवाए। कुंवरपाल ने दीवार पर बेतरतीब ढंग से पाइप लगाने की वजह भी बताई और दावा किया कि उन्हें 20 फीट लंबा पाइप दिया गया था जिसे छोटे टुकड़ों में काटकर हवा और रोशनी के लिए दीवार पर लगाया गया। उन्होंने कहा उनको भाई इधर खाली प्लाट है, थोड़ा रोशनी और थोड़ी हवा आ जाएगी, जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने का, खिड़की लगा नहीं सकते। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने 11 लोगों की मौत के मामले में भाटिया परिवार के बड़े बेटे ललित के शामिल होने का शक जताया, लेकिन कुंवरपाल ने ललित के घटना में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक पुलिस थाने के बाहर कुछ लोग एक लड़के को पीटने लगे। दावा है कि प्रेम प्रसंग के मामले में शिकायत होने के बाद पुलिस सूरज नाम के इस लड़के को थाने लेकर आई, लेकिन दावा है कि सूरज के खिलाफ शिकायत करने वाले लोग उसे पुलिस थाने से बाहर लेकर आ गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। लड़के को इस कदर पीटा गया कि वो जमीन पर गिर गया। शोर मचने के बाद वहाँ कुछ पुलिस वाले भी पहुँच गए और मारपीट करने वाले लोगों को दबोच लिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद मारपीट करने वाले लोग उससे माफी मांगने लगे। इसके बाद एक पुलिस वाला उस लड़के को अंदर ले गया जिसके साथ मारपीट हुई थी। हालांकि गिरफ्तार किए गए लड़के के घर वालों ने पुलिस पर उसे थाने में बिना कपड़ों के रखने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया के मुलुल्वा में समंदर के किनारे एक आदमी ने रिमोट से एक ड्रोन को उड़ाया और लहरों के बीच फंसे एक आदमी के पास उससे एक पैकेट गिरा दिया। उस पैकेट में समंदर में तैरने के काम आने वाली ट्यूब थी जिसे लहरों में फंसे आदमी तक पहुंचाकर ड्रोन के जरिए बचाव के नए तरीके का प्रदर्शन किया गया। ताकि ड्रोन से समंदर में डूब रहे लोगों तक मदद पहुंचाने के नए तरीके से लोगों को रूबरू कराया जा सके। लहरों में फंसे आदमी तक ड्रोन से मदद पहुंचने के बाद उसकी तरफ एक नाव रवाना हुई जिसके बाद उस आदमी को डूबने से बचा लिया गया। कुछ महीने पहले इसी तरह ड्रोन की मदद से समंदर में डूब रहे दो लड़कों की जान बचाई गई थी। बचाव दल ने दावा किया कि हर साल करीब 11,000 लोगों को समंदर में डूबने से बचाया जाता है। हालांकि सही वक्त पर मदद न मिल पाने से बहुत से लोगों की मौत भी हो जाती है। यही देखते हुए इस साल 50 से ज्यादा ड्रोन की मदद से लोगों को बचाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इन ड्रोन से न सिर्फ जान बचाई जाएगी बल्कि उनसे डूब रहे आदमी के पास वेल या शार्क के होने की जानकारी भी मिलेगी। मुंबई में कारोबारी की हत्या कर दी गई। मुंबई के कामोठी सेक्टर में दुकान बंद करके जा रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के भोजपुर में वर्चस्व की लड़ाई में दो आपराधिक गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक आदमी घायल हो गया। बिहार के सरन जिले में एक आदमी की धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप उसकी पत्नी पर लगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस ने चेकिंग के समय करीब 700 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की। मध्य प्रदेश के सीहोर में डिलीवरी के समय एक महिला की मौत होने पर परिजनों ने जिला अस्पताल में तोड़फोड़ की। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क पार कर रही एक बच्ची को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दौड़कर हाईवे पार कर रही 6 साल की एक बच्ची को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का वीडियो वहां निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इससे पहले बच्ची हाईवे के किनारे गाड़ियों के गुजरने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसके सामने से एक मोटरसाइकिल सवार गुजरा वो दौड़कर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर पहुंच गई, लेकिन हाईवे की दूसरी लेन पार करते वक्त तेजी से आ रही एक लाल कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से बच्ची सड़क पर पलटी खाती हुई थोड़ी दूर जा गिरी, जबकि कार का ड्राइवर फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। करीब 12:10 के आसपास यहां आए थे, पुरकाजी से रेफर होते हैं। चोट है जी, ये सीटी स्कैन हुआ जो कि नॉर्मल है। हादसे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार का नंबर निकाला और आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुट गई। हिमाचल के कुल्लू में कार सवार एक महिला ने एक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी के बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी महिला ने वहां जमकर हंगामा किया, लेकिन विवाद तब और गहरा गया जब बहस के समय कार सवार महिला ने गुस्से में आकर एक पुलिस वाले को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महिला का बेटा भी कार से नीचे उतर आया और वहां मौजूद लोगों से बदसलूकी करने लगा। पुलिस वाले लगातार महिला और उसके बेटे को वहां से गाड़ी हटाने के लिए समझाते रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। इस बीच झगड़ा बढ़ता देख मौके पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए।
जिससे वहां जाम लग गया, लेकिन इसके बाद भी महिला वहां से गाड़ी हटाने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए महिला से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, लेकिन वो इस कदर गुस्से में थी कि उसने पुलिस वालों को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने जब महिला को उसकी गलती बतानी चाही तो उसने एक पुलिस वाले पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। काफी देर की कोशिश के बाद भी जब महिला और उसका बेटा पुलिस वालों की सुनने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस बीच भी आरोपी महिला पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई करती दिखी। पुलिस ने जानकारी दी कि उसने महिला और उसके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले पर हाथ उठाने और धारा 506 धमकी देने के लिए मामला दर्ज कर लिया। रोजगार के लिए खाड़ी देशों में पहुंचने वाले भारतीयों की गिनती में पिछले 2 साल में बड़ी गिरावट आई है। प्रवासियों के लिए बनाई गई इन देशों की नीति और खराब आर्थिक हालात का सबसे बड़ा असर भारत पर हुआ, जिसकी वजह से 2017 में करीब 4.25 लाख लोग रोजगार के लिए खाड़ी देशों में पहुंचे, जबकि 2015 में ऐसे लोगों की गिनती 7.5 लाख से भी ज्यादा थी। सबसे बड़ी गिरावट नौकरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले लोगों की गिनती में आई है। सऊदी अरब में पिछले साल नौकरी करने के लिए केवल 78,000 लोग पहुंचे, जबकि 2015 में सऊदी अरब पहुंचे ऐसे भारतीयों की गिनती 3 लाख से ज्यादा थी। तो कतर में नौकरी के लिए पहुंचने वालों की गिनती में भी 58% की गिरावट आई। 2017 में नौकरी के लिए करीब 25,000 भारतीय पहुंचे, जबकि 2015 में नौकरी के लिए कतर पहुंचने वाले भारतीयों का आंकड़ा करीब 60,000 था। नवी मुंबई के कमोथी सेक्टर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ियों की बैटरी का कारोबार करने वाले शांताराम कुटाल दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी बाइक से आए 2 बदमाशों ने व्यापारी पर पहले चाकू से वार किए। इसके बाद बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस वारदात की जगह की सीसीटीवी खंगाल कर आरोपी की तलाश में जुट गई। वो लोग अननोन लोग बाहर से आए, उन्होंने चाकू से और फायर करके उनको मार डाला है। अभी फिलहाल क्यों हुआ कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारा तपास चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वहां जुटे लोगों के साथ पैदल चलने लगे। लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की गाड़ी जैसे ही एक गांव में पहुंची, लोगों की भीड़ ने उनको घेर लिया। इसके बाद राहुल गाड़ी से उतरे और लोगों से कुछ देर बातचीत की। राहुल गांधी को अपने बीच पाकर लोगों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मिशन 2019 का बिगुल फूंका। मिलके हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे और ये जो बीजेपी के आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं इनको परे करेंगे, इनको हटाएंगे। राहुल गांधी का बयान सामने आते ही बीजेपी ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया। आजादी के बाद आज तक इतनी कमजोर कांग्रेस की इससे पहले कभी थी क्या? राहुल गांधी 44 पे ले आए। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों और छोटे कारोबारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी कई बार अपने सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए आम लोगों के बीच पहुंच गए और समर्थकों की भीड़ के साथ अमेठी की गलियों में घूमते नजर आए। लोगों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने एक बच्ची के साथ फोटो भी खिंचवाई। राहुल गांधी को पैदल घूमते देख वहां मौजूद लोगों में उनके करीब पहुंचने की होड़ लग गई, जबकि तमाम लोग अपने मकानों की छत पर खड़े होकर उनका अभिवादन करते दिखे। इस दौरान कई लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते दिखाई दिए। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के छोटे कारोबारियों से भी बात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। कारोबारियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी अपने काफिले के साथ दूसरी जगह के लिए निकल गए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल के गेट पर खड़े कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि जिला अस्पताल की डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद खफा लोगों का गुस्सा डॉक्टर के खिलाफ फूट पड़ा। आरोपी के इस बीच महिला मरीज के घर वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि भावना नाम की गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बच्चे के जन्म के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरोपी के समय पर इलाज नहीं मिलने से महिला की मौत हुई। डिलीवरी के बाद उनकी मृत्यु हुई, इसमें उनके परिवारजनों का ये कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ये हुआ। अस्पताल में हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।